अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम थर्ड क्लास में मौजूद नया सिलेबस जो ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के नए और अपडेटेड क्लासेस सुनने के लिए क्लास आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्लास ईवीएस में पहला सबक जो है हमारा खानदान है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिखे। इंशाल्लाह अगली क्लास में उसके बारे में मज़ीद आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो रहा हमारा सबक हमारे अतराफ व अकनाफ पाए जाने वाले पौधे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि जड़ें पौधे का अहम हिस्सा हैं और ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पौधे के हिस्सों का तजिया करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये जो हरे भरे हैं ये पत्ते कहलाते हैं, और इसी तरह ये लाल लाल जो हैं, चाहे उनका रंग कौन सा भी हो, अगर फल हों तो उनको फल कहते हैं। और इसी तरह पौधे में फूल भी होते हैं, और यहाँ पर दरमियान में जो बारीक या मजबूत, नरम या सख्त, जो भी लकड़ी होती है जो जड़ों को और अपने डालियों को जोड़ने में मदद देती है, उसको कहते हैं तना। और इसी तरह यहाँ पर देखिए, जो ज़मीन यहाँ तक है उसके नीचे का हिस्सा जो भी है, जो जालदार होता है, वो जड़ कहलाती है। यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया कि जैसा कि जड़ें पौधे का अहम हिस्सा हैं और ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, ये पौधे को ज़मीन से जोड़े रखते हैं। ओके, और जड़ें मिट्टी से पानी और नमकियात को जज्ब करके तना और पत्तों तक पहुंचाती हैं। जड़ों का काम क्या होता है, जड़ें मिट्टी से पानी और नमकियात को जज्ब करके तना और पत्तों तक पहुंचाती हैं। ओके, तो दूसरी पॉइंट रही, तना पानी और मखवियात को जड़ों से पौधों के तमाम हिस्सों तक मुंतकिल करता है। जैसा कि जड़ें पानी और मखवियात को जज्ब करके तने के जरिए अपने तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं, और तना क्या करता है, तना जड़ों से हासिल किया गया मखवियात को और पानी को पौधे के तमाम हिस्सों तक सरबराह करता है, मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो उसी तरह पौधों के तने मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे 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 पौधा बढ़ता जाता है, तना मजबूत होता जाता है। यहाँ पर देखिए, मोटे तने यानी पेड़ ट्रंक कहलाते हैं। मोटे तने जो भी हैं वो पेड़ कहलाते हैं, ट्रंक कहलाते हैं। उन तनों पर छाल पाई जाती है। ओके, तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद और नुकात हमारे आगे पेश आएंगे। तो देखिए, बड़े और मजबूत तने वाले पौधे जो हैं उनको दरख्त कहलाते हैं। पौधे जो है दरख्त कहलाते हैं, मसलन बरगद और इमली। जैसा कि बरगद एक बहुत बड़ा सख्त दरख्त होता है, इमली का तना भी जो है बहुत सख्त होता है और मोटा होता है, मजबूत होता है। और यहाँ पर छोटे पौधे जिनके तने सख्त होते हैं, झाड़ियाँ कहलाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम देखते रहते हैं गुलाब और गुड़ैल। ये गुलाब जो है तना बारीक होता है मगर सख्त होता है, ये झाड़ियाँ कहलाती हैं। पौधे यानी हर्ब्स बहुत ही छोटे होते हैं और उनके तने सब्ज और नरम होते हैं। यहाँ पर और एक किस्म जो है हर्ब्स पौधे कहलाती हैं, जिनके तने जो है सब्ज और नरम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जैसा कि तुलसी और गेहूं, इनका तना जो है बारीक होता है और नरम होता है और सब्ज रंग में होता है। तो आगे बढ़ें तो चढ़ने वाले पौधे यानी क्लाइंबर्स बेलदार होते हैं और किसी सहारे पर बढ़ते हैं। यानी ये पौधा जो है इसका तना बेलदार होता है,
यानी जिधर चाहे उधर झुक सकता है, और ये किसी एक, चाहे वो लकड़ी हो या दूसरा दरख्त हो या खम्बा हो, उनके सहारे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी ये ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इसको क्लाइंबर्स कहते हैं। मसलन अंगूर और करेला, अंगूर के पौधे अगर हम देखें तो ये हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, इनके लिए सहारा इंसान बनाता है, और इसी तरह करेले के पौधे भी ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और अगली किस्म जो है फैलने वाले पौधे यानी क्रीपर्स, ये भी बेलदार होते हैं जो जमीन पर फैलते हैं। जैसा कि क्लाइंबर्स दूसरों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, क्रीपर्स जो है जमीन पर फैलते हैं। मसलन अगर देखें तो तरबूजा और कद्दू, ये जो है जमीन पर फैलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पत्ते पौधे के लिए गिजा तैयार करते हैं और बढ़ने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जड़ें जमीन से पानी और मकवियात को जज्ब करके तने के जरिए पौधे के तमाम हिस्सों तक दखिल करते हैं, तो इनको पानी और मकवियात तो मिल गए, और इनको गिजा कहाँ से मिलेगी। गिजा का काम जो है, गिजा तैयार करने का काम जो है पत्ता करता है। पत्ता जो है पौधे के लिए गिजा तैयार करते हैं और बढ़ने में मदद करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये शक्ल जो है पत्ते की है, इसमें ये जो बारीक सी लकड़ी है जिसको डंडी कहते हैं, और इसी तरह ये आस्पीर जो घेरा हुआ है इसको पत्ते का किनारा कहते हैं। ये जो आस्पीर आसपास जो घेरा हुआ है इसको पत्ते का किनारा कहते हैं, और ये आखिरी नुक्ता जो है इसको रास कहते हैं। और जो पत्ते में जो बारीक बारीक रगे होते हैं उनको रग कहते हैं। ये रहे पत्ते के हिस्से, ये तीसरी जमात में इतना ही है, और इसके बारे में मजीद अगली जमात में पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम नुकात के बारे में देखें तो पत्ते पौधे की गिजाई फैक्ट्री होते हैं। पत्ते क्या होते हैं? पौधे की गिजाई फैक्ट्री होते हैं, और पौधे हवा पानी और सूरज की रोशनी की मदद से पत्तों में अपनी गिजा तैयार कर लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? हवा पानी और सूरज की रोशनी की मदद से पत्तों में अपनी गिजा तैयार कर लेते हैं। तो आगे बढ़ के देखें तो यहाँ क्या है, मुख्तलिफ किस्म के पत्ते। पत्ते क्या तमाम दरख्तों में तमाम पौधों में एक ही तरह के होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसा कि गुड़ेल के पत्ते चौड़े होते हैं और उनके किनारे आरी नुमा होते हैं, और इसी तरह पपई के पत्ते जो है हमारी हथेली के मानिंद होते हैं। अगर अगला पत्ता जो देखिए, नारियल के पत्तों की रगें लंबी होती हैं, जैसा कि हम देखे हैं बहुत सारे। तो आगे बढ़ के देखें तो इमली के पत्ते बहुत छोटे होते हैं। और इसी तरह पुदीना, कुतमीर और तुलसी के पत्तों में अलग अलग तरह की खुशबू पाई जाती है। और अगर हम देखें तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं। हम जो गैस सांस लेते हैं उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसा कि पौधे अपने पत्तों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये सब अहम नुकात हैं, नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह इम्तिहानात में ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगली पॉइंट देखें तो बड़े पौधों की जड़ें मिट्टी के ज़रात को पकड़े रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। ये रहे पौधों की जड़ों का काम, फेल। तो आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सबक है हमारे अतराफ व अकनाफ पाए जाने वाले जानवर। यहाँ पर देखिए, कुत्ता बिल्ली तोता वगैरह जो है
जानवर जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, घरेलू जानवर कहलाते हैं, घरेलू जानवर। उसी तरह गाय, बकरी, भेड़, बतख और घोड़ों को फार्म में रखकर पाला जाता है, ये पालतू जानवर कहलाते हैं। वैसे भी शेर, बबर, रीछ और हाथी वगैरह जो हैं जंगलों में रहते हैं, ये जंगली जानवर कहलाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो रहे परिंदे, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक उड़ते हुए जाते हैं। चाहे परिंदे उड़ते भी जाएं, फुदकते जाएं, चलते जाएं और रेंगते भी जाएं, परिंदे नहीं बल्कि जानवर, जानवर जो है एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक हरकत करते हुए मुंतकिल होते हैं। वो उसके लिए अपने पर, पैर और दुम का इस्तेमाल करते हैं। जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल करने में अपने पैर, पर और दुम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जानवर मुख्तलिफ मुकामात पर, जैसा कि जानवर एक ही जगह जिंदगी बसर नहीं करते, यानी तमाम जानवर एक ही जगह एक ही मुकाम पर नहीं रहते। वैसे कहाँ रहते हैं तो देखिए, जमीन पर रहने वाले जानवर अलग होते हैं और इसी तरह पानी में रहने वाले जानवर अलग होते हैं, और दोनों जगह पाए जाने वाले जानवर अलग होते हैं। वो कौन कौन से देखते हैं तो जमीन पर रहने वाले जानवर को बर्री जानवर कहलाते हैं। इन पर रहने वाले जानवर जो हैं वो बर्री जानवर कहलाते हैं। वो कौन से हैं? गाय, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी। जमीन पर रहते हैं, ये जमीन पर जिंदगी बसर करते हैं। और कौवा, चिड़िया, उल्लू, बंदर, ठिड्डा वगैरह जो है दरख्तों पर रहते हैं। ये जो है ये भी जमीन पर ही वाक़े है, इसलिए इनको भी बर्री जानवर कहा गया। तो अगला अगर देखें तो ऐसे जानवर जो पानी में जिंदा रहते हैं वो आबी जानवर कहलाते हैं। पानी में जिंदा रहने वाले जानवर को आबी जानवर कहलाते हैं। तो क्या तमाम जानवर पानी में जिंदा रह सकते हैं? जी हरगिज नहीं। तो कौन से जानवर रह सकते हैं? उनका जिस्म जो कश्ती नुमा होता है, और इसी तरह उनके पर, दुम और गलफड़े जो है उन्हें पानी में जिंदा रहने के लिए मदद देते हैं। वो कौन से हैं? जैसा कि मसलन मछलियाँ, और इसी तरह स्टार मछली और ऑक्टोपस, केचुआ, इस तरह बहुत और मजीद जानदार हैं जो पानी में जिंदा रह सकते हैं। तो आगे बढ़ के देखें तो वो जानवर जो जमीन पर और पानी में, यानी दोनों मुकामात पर जिंदा रह सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जल थैले कहलाते हैं। उन जानवरों की जिल्द जो है नम और गीली होती है। वो जानवर जो पानी में और जमीन पर दोनों मुकामात पर जिंदा रह सकते हैं, उनकी जिल्द कैसी होती है? नम या गीली होती है। और इसी तरह पैरों में उंगलियों के दरमियान गुशा होती है, और उनके उनके पिछले पैर जो है मजबूत होते हैं। ऐसे जानवर जो है जलथैले कहलाते हैं, जो जमीन और पानी में दोनों मुकामात पर जिंदा रह सकते हैं। मसलन वो कौन से हैं? सालमेंडर और मेंढक, ये जो है, और बहुत सारे मजीद हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में जो है मजीद और कंटेंट जो आएगा उसमें इसके बारे में मजीद और रहेगा। तो चलिए क्लास शुरू, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ किस्म के गिजा खाते हैं। वैसे तमाम जानवर जो है एक ही किस्म के गिजा नहीं खाते, जैसा कि इंसानों में तमाम इंसान एक ही किस्म की गिजा नहीं खाते, उसी तरह जानदार में भी क्या होते हैं, जानवर में भी क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गिजा खाते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्या क्या खाते हैं। जैसे गाय, बैल, भैंस, गधे और घोड़े, हाथी, हिरन वगैरह जो है सिर्फ घास और पौधों से हासिल होने वाली गिजा खाते हैं। सिर्फ क्या खाते हैं? घास और पौधों से हासिल होने वाली गिजा खाते हैं। गिलहरियां फल और बीज खाते हैं, ये भी पौधों से ही हासिल होते हैं, इसलिए ये जानवर क्या कहलाते हैं? सब्जी खोर कहलाते हैं, यानी सब्ज खोर या सब्जी खोर, क्योंकि ये हरा भरा घास और घास यानी पौधों से हासिल होने वाली गिजा ही खाते हैं, इसलिए इनको सब्जी खोर कहा गया। तो इनके खसूसियात क्या हैं इस क्लास में, यानी थर्ड क्लास में मौजूद नहीं है, अगली क्लासेस में आएगा तो वहां पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी किस्म क्या है?
शेर, बबर, लोमड़ी और मगरमच्छ जैसे जानवर जो हैं क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं? गोश्तखोर कहलाते हैं। यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाए वो गोश्तखोर कहलाते हैं। तो अगली किस्म जो है, रीछ, कौवा, बंदर और कुत्ता जैसे जानवर जो है पौधों और जानवरों दोनों से हासिल होने वाली गिज़ा खाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि चंद ऐसे जानवर जो सिर्फ घास और पौधों से हासिल होने वाली गिज़ा खाते हैं और चंद ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो यहाँ और एक किस्म जो है ये पौधों से और जानवरों से हासिल होने वाले दोनों गिज़ा को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमाखोर कहलाते हैं। ये रहे तीन किस्म के जानवर जो अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ किस्म की गिज़ा खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह। यहाँ पर देखिए, तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ, तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ फूल का रस चूसती हैं और गिद्ध और लोमड़ी जैसे जानवर मुर्दा जानवरों को खाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उन्हें खाकरूब कहा जाता है। ये भी मेन पॉइंट है, इम्तिहानात में पूछने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो अगली पॉइंट रही, जानवर दूसरे जानवरों को आगाह कराने या डराने और अपने इलाके से उन्हें दूर भगाने या कम्युनिकेशन करने या बात करने जो है आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इंसान जिस तरह दूसरों से बात करने के लिए अपनी जो सौती संदोह का इस्तेमाल करके बात करता है, अल्फाज को अदा करता है, वैसे भी जानवर जो है अपने दोस्तों को, अपने दूसरे जानवरों को आगाह कराने, बात करने, इंफॉर्मेशन देने, डराने या उन अपने इलाके से उन्हें दूर भगाने के लिए आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग जानदार अलग अलग किस्म से आवाज़ें निकालते हैं, उनकी आवाज़ों से हमको पता चलता है ये कौन सा जानवर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह। यहाँ पर देखिए, हमारा जिस्म, हमारा अगला सबक है हमारा जिस्म। इसमें क्या होते हैं, आम तौर पर हमारे जिस्म को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया। क्या किया गया? आमतौर पर हमारे जिस्म को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया। वो कौन से हैं? वो हिस्से जो है सर, धड़ और बाजू। बाजू यानी हाथ और पैर दोनों इस बाजू में शुमार हो जाते हैं, इसलिए सर, धड़ और बाजू कहा गया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए चंद हमारे जिस्म के पार्ट्स दिए गए हैं। जैसा कि सर कौन सा है? ये जो है सर है, और इसका निचला हिस्सा यानी गर्दन से लेकर यहाँ तक का यह हिस्सा जो है ये बाजू कहला, ये बाजू नहीं बल्कि धड़ कहलाता है, और बाजू के जो हाथ और पैर जो हैं ये सब जो हैं बाजू कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ऊपर सर के ऊपर जो काले काले नजर आ रहे हैं ये जो है बाल कहलाते हैं। तो वो सर के हिस्से जब हम डिस्कस करेंगे उसमें आएंगे। तो ये रहा सर, और ये जो है नाक है, और इसी तरह हमको देखने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो है आंख हैं, उसी तरह चबाने के लिए इस्तेमाल होने वाले दांत हैं, और इसी तरह बात करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुंह है, और गर्दन है, ये जो है हाथ हैं, हाथ को जो छोटे छोटे हैं वो उंगलियां हैं, और इसी तरह यहाँ पर पैर हैं। तो ये रहे जिस्म के हिस्से। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह, गर्दन जो है क्या करती है? सर और धड़ को आपस में जोड़ती है। ये ऊपर का जो है सर है, इसी तरह दरमियान का जो है धड़ है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो है गर्दन करती है। ओके, और सर को मुख्तलिफ सिमत में हरकत देने में मदद देती है। गर्दन क्या करती है? सर को मुख्तलिफ सिमत में हरकत देने में मदद करती है। उसी तरह हमारे चेहरे पर, हमारा चेहरा जो है उस पर आंखें, नाक, मुंह और कान पाए जाते हैं। ये जो है हमारा सर है, ये हिस्सा जो है हमारा चेहरा है। उस पर क्या क्या पाए जाते हैं? आंख पाए जाते हैं, नाक पाया जाता है, और मुंह पाया जाता है, और कान भी पाए जाते हैं। ये रहा हमारा चेहरा। तो यहाँ पर देखिए, ये सर है, इसके हिस्से अगर देखें तो
ये काले काले जो हैं ये बाल कहलाते हैं, और इसी तरह ये आंखों के ऊपर और बाल के दरमियान, आंखें और बाल के दरमियान जो है ये हिस्सा जो है पिशानी कहलाती है, और इसी तरह कान है, ये नाक है, और इसी तरह ये छोटे छोटे जो है आंख हैं, ये हमारा मुंह है, और ये जो है गाल है, और ये ठुड्डी है, ये रहे सर के हिस्से। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हाथ पकड़, हाथ क्या काम आता है, किस लिए काम आता है, हाथ पकड़ने और काम करने में मदद देते हैं, और इसी तरह पैर चलने दौड़ने और उछल कूद करने में मदद देते हैं। हाथ पकड़ने और काम करने के लिए मदद देता है, और इसी तरह पैर जो है चलने दौड़ने और उछल कूद करने में मदद देते हैं। और इसी तरह हाथों की 10 उंगलियां और पैरों की 10 उंगलियां होते हैं। बाज लोगों को एक एक्स्ट्रा भी होती है, वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए आमतौर पर 10 उंगलियां होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिल्द जिस्म के अंदरूनी अज़ा को ढांकती है। जिल्द जो है जिस्म में मौजूद अंदरूनी अज़ा जो हैं उनको ढांकने में मदद देती है, और इसी तरह जिस्म क्या करती है, उससे हमें ठंडा गर्म नरम और सख्त का एहसास होता है। क्या होता है, जिस्म के जरिए ही, जिस्म के नहीं बल्कि जिल्द के जरिए ही हमको ठंडा गर्म नरम और सख्त का एहसास होता है। और यहाँ पर देखें तो उंगलियों के नाम होते हैं। हाथ जो है हाथ के 10 उंगलियां होते हैं, यानी दोनों हाथों के 10 उंगलियां होते हैं, एक हाथ के 5 उंगली होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। आमतौर पर एक हाथ की 5 उंगलियां होते हैं, बाज लोगों को 6 उंगलियां भी होते हैं, वो अलग बात है, आमतौर पर जो है 5 ही होते हैं। यहाँ पर देखिए हाथ के उंगलियों के अलग अलग नाम हैं। ये जो मोटा सा है, मोटी उंगली जो है इसको अंगूठा कहते हैं, और इसी तरह उसके बाजू वाली उंगली जो है शहादत की उंगली कहलाती है, और उसके बाजू वाली यानी दरमियान में मौजूद उंगली को दरमियानी उंगली कहते हैं, यानी मिडिल फिंगर, और इसी तरह ये जो है उसके बाजू वाली उंगली को अंगूठी वाली उंगली कहते हैं, या अंगूठा और अंगूठी में फर्क है, या अंगूठा है या अंगूठी, यानी रिंग फिंगर कहते हैं इसको। उसी तरह लास्ट की आखिर वाली उंगली जो है छोटी उंगली कहलाती है। ये रहे उंगलियों के अलग अलग नाम। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह यहाँ पर देखिए हमारा जिस्म में ना सिर्फ ऐसे अज़ा हैं बल्कि चंद सेंसिटिव पार्ट्स भी हैं, यानी जिससे हमको अच्छा और बुरा फील होता है। जैसा कि देखते हैं, डिस्कस करके देखेंगे क्या होगा, गुड टच और बैड टच, यह हमारा न्यू सिलेबस जो आया है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है गुड टच और बैड टच, ताकि बच्चों को आगाह किया जाए कि ये क्या है। तो हमारे जिस्म के चंद हिस्से जैसे सीना, पैरों के दरमियानी हिस्से और सरियां वगैरह जो है पोशीदा पोशीदा आज़ा कहलाते हैं, यानी पर्सनल हिस्से, ये जो है पोशीदा यानी छुपे हुए। ऐसे आज़ा हैं हमारे जिस्म में, ऐसे आज़ा हैं जो पोशीदा आज़ा कहलाते हैं। तो देखिए अगर कोई शख्स हमारे पोशीदा आज़ा को छूते हैं तो वो बैड टच कहलाता है। हमारे जब हमारे पोशीदा आज़ा को कोई छूए चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों को पोशीदा आज़ा होते हैं और दोनों को भी फीलिंग्स बराबर के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई उनको पोशीदा आज़ा को छूए तो उनको कराहत यानी एक बैड सी फील आती है, उसको बैड टच कहते हैं, यानी ऐसा टच जो हमको बैड फील महसूस हो उसको बैड टच कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो आज़ा कौन से हैं, यहाँ पर देखिए पोशीदा आज़ा जो है होंट यानी लिप्स जो है लड़के को होते हैं और लड़कियों को होते हैं, और इसी तरह सीना सीना लड़के को होता है और लड़कियों को होता है, और इसी तरह सरियां यानी हिप कमर और पैरों के दरमियान हिस्से के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको सरियां कहते हैं, यानी समझो कि हिप ही होता है, और इसी तरह पैरों के दरमियानी हिस्सा, ये सब जो हैं पोशीदा आज़ा हैं जो लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग होते हैं, मगर टच जो है बैड टच जो है दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ रहा बैड टच से बचने के इकदामात क्या हैं।
जब कभी हम बैड टच महसूस करते हैं या बैड टच होने का इम्कानात हमको पहले ही पता चलते हैं, तो जब हम क्या करें, माँ बाप या असातिज़ा को फौरी इतला दीजिए, दे देना चाहिए कि हमको ऐसा होने वाला है, और इसी तरह उस मुकाम से फौरन दूर चले जाइए और बुलंद आवाज़ से कहें कि मुझे मत छूइए। ये जो अकदामात हैं, ये बैड टच होने के बाद के नहीं, बल्कि बैड टच होने के पहले के हैं, ताकि हम बैड टच से बच सकें। तो ये रहा गुड टच और बैड टच। तो हम यहाँ पर बैड टच के बारे में पता चला। तो गुड टच क्या है? गुड टच वो है जो हमारे माँ बाप या दोस्त जब हमसे, हमको छूकर, यानी जब बात करते हुए गाल को छूए या सर पर हाथ फिराए या मोहब्बत से, प्यारों मोहब्बत से, शफकत से जब बात करते हैं, तो हमको अच्छा महसूस होता है, वो गुड टच कहलाता है। जैसे पढ़ते ही पता चलता है कि गुड और बैड क्या होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हंगामी हालात में कौमी सतह पर बच्चों की परवाह और हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से 24x7 यानी हर घंटा फराहम की गई ये खिदमत ही चाइल्ड हेल्पलाइन है। जब कभी बच्चों को जो भी तकलीफ या हिफाजत होने की जरूरत पड़ी, तो इस नंबर यानी 1098 को फोन करके बात कर सकते हैं और उनका हेल्प ले सकते हैं। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये भी नोट कर लीजिए, ताकि बहुत सारे इम्तिहानात में पूछा गया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। हाँ, यहाँ पर देखिए, हमारा अगला सबक है गिजा सेहत। जैसा कि हर इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना जरूरी होता है, उसी को गिजा कहते हैं। सेहतमंद होने के लिए खाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, पौधों से हासिल होने वाली गिजा क्या है? यहाँ पर देखिए कि हम पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को बतौर गिजा इस्तेमाल करते हैं, और हम बाज़ पौधों के पत्ते खाते हैं, तने खाते हैं, फूल, फल, बीज और जड़ों को बतौर गिजा इस्तेमाल करते हैं। चावल हमारी अहम गिजा है, यानी हर रोज हम खाने वाली जो गिजा है वो आमतौर पर चावल ही है। चावल छान से नहीं, बल्कि धान से हासिल होती है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक आ गया। चावल जो है धान से हासिल होती है। ओके, तो हम गेहूं, जवार और देगर अजनास को भी बतौर गिजा इस्तेमाल करते हैं। क्या हम चावल ही खाते हैं? नहीं, गेहूं, जवार और देगर अजनास भी हम बतौर गिजा इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, चावल के अलावा जो है, हम बाजरा, कंगनी, रागी, ये रागी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, तो ये रागी है, इटालियन मिलेट जैसे देगर अजनास को भी बतौर गिजा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह हमें शक्कर और गुड़ जो है गन्ने से हासिल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पौधे पौधे में सबसे ज्यादा मकवी हिस्सा जो है पत्ता होता है। पौधे में कौन से हिस्से में ज्यादा मकवियात पाए जाते हैं? वो है पत्ता है। तो हम मौज और फूल गोभी के पत्तों को भी बतौर गिजा इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह लौंग दरअसल जायकेदार कलियां हैं, जिन्हें मसाले के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, मशरूम एक फंजी है, मशरूम एक किस्म की फंजी है जो बहुत मकवी होती है, यानी जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मकवियात पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, टमाटर और कंकड़ी जो है, खीरा जो फल हैं, बल्कि वेजिटेबल्स नहीं, तरकारियां नहीं, फल हैं, लेकिन हम उन्हें बतौर तरकारी इस्तेमाल करते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, ताकि टमाटर फल है या तरकारी, अगर क्वेश्चन आए, सवाल उठे, तो वो 100% फल ही है। तो यहाँ पर अगली पॉइंट है मूंगफली, तिल, रासी, सूरजमुखी और जैतून के बीजों से हम पकवान के तेल हासिल करते हैं। ये रहे अहम नुकात। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह के जानवरों से हासिल होने वाली गिजा। हम अगर इससे पहले जो है पौधों से हासिल होने वाली गिजा के बारे में पता चला, तो यहाँ पर देखिए जानवरों से हासिल होने वाली गिजा क्या है। हम गोश्त और अंडों को गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह उसके अलावा दूध भी पीते हैं। तो ये सब कहाँ से आते हैं? जानवरों से हासिल होते हैं। यहाँ पर देखिए, गाय, बकरी और भैंस जो है
भैंस से हमें दूध हासिल होता है, गाय बकरी और भैंस से हमें दूध हासिल होता है। दूध से हमें मुख्तलिफ अशिया हासिल होते हैं, जैसे दही, घी, मक्खन, पनीर, ये सब जो है दूध से ही हासिल होते हैं। दूध जो है जानवर से हासिल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, बतख और मुर्गी को अंडे और गोश्त हासिल करने के लिए पालते हैं। बतख और मुर्गी को क्या है, अंडे और गोश्त हासिल करने के लिए पालते हैं। तो अगला नुक्कड़ जो है, लोग क्या करते हैं, बकरी, भेड़, खिंजीर और भैंस वगैरह जानवरों को पालते हैं, बाज लोग उन जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है, बाज लोग इन जानवरों को खाते हैं, बाज लोग नहीं खाते, वो अलग बात है, यानी कामन से खाते हैं, ये जो है खाने की चीज नहीं है, फिर भी बाज लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, समंदरी जानवर हैं, जैसे मछली, झींगे, खेकड़े और घोंगे वगैरह को भी बतौर गिजा इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है जानवरों से हासिल होने वाली गिजा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, शहद की मक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। शहद की मक्खियाँ क्या करते हैं, फूलों से रस इकट्ठा करते हैं और उस रस को शहद की शक्ल में छत्ते में जखीरा करते हैं। हम शहद के छत्ते से शहद हासिल करते हैं। ये रहा शहद की मक्खियों का किस्सा। तो यहाँ पर देखिए, चावल, गोश्त वगैरह को हम बगैर पकाए खा नहीं सकते। चावल और गोश्त को हम बगैर पकाए खा नहीं सकते, लेकिन बांस तरकारियों को हम पकाए बगैर खा सकते हैं, जैसे गाजर, प्याज, ककड़ी, ये सब जो है बगैर पकाए खा सकते हैं, फिर भी हमको पकाकर खाना बहुत अच्छा है सेहत के लिए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास जो है जल्द ही आपके सामने आएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले कि क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं और दूसरे क्लासेस बनाने में भी हमको इंटरेस्ट आए। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ भी क्लास को शेयर कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मिलेंगे।